आने के लिए, और जब भी मैं इधर आ जाता हूँ आप लोग आ जाते हो मेरी शक्ल देखने के लिए। आई नो इतनी अच्छी नहीं है बट थैंक यू, मुझे चलना चाहिए। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो यहाँ पर और आप लोग से मैं बात करता हूँ। थैंक यू। एंड इट शोज कि जो हमारे एरिया में और आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया, 5 साल पहले तो लगता था कि कुछ नहीं होगा या ऐसा कोई ऐसी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखती थी। बट जब हम 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और जब अब आप लोगों को देख रहा हूँ तो बहुत सारा होप नज़र आता है मुझे आप लोग को देख कर। तो बहुत सारा होप, बहुत सारा एक्साइटमेंट और काफ़ी यूनाइट फील करता हूँ मैं पूरे आप लोगों को लेकर, पूरे गांव को लेकर, बच्चों का फ्यूचर को लेकर। तो ये सारा एक पॉजिटिव वाइब मेरे अंदर आता है जब मैं आप लोग से मिलता हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट कि आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर जस्ट फॉर शेयरिंग, आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूँ इतना बदलाव, इतना करण वहाँ पर आया है, मुंबई में आया है। एंड ही वॉज टॉकिंग कि सब अच्छा हो रहा है, बहुत बदलाव हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है। एंड मैं जस्ट ऐसे बैठा था एंड देन ही वॉज जस्ट कीप टॉकिंग एंड टॉकिंग। तो एंड जब मैं कल आया इधर देखा और सच में जो लोग में हमको लेकर जो बिलीव है, आप लोगों को लेकर जो ट्रस्ट है वो दिखाई दे रहा है उनकी आंखों में, बच्चे लोगों में। तो ये प्रोग्राम से मुझे और ज़्यादा प्यार हो रहा है आप लोग का यहाँ कर्नाटक से। बहुत कुछ करना चाहिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ पर एक खुला मैदान होता है ना, तो फिर अपने ही अंदाज में अपने ही तरीके से उसको डिज़ाइन करने में मज़ा आता है। तो वैसा मुझे ये पूरा खुला मैदान जैसा लग रहा है कि यहाँ बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, अपने हिसाब से पेड़ लगाना, अपने हिसाब से फूल लगाना, तो ताकि इसको हम और कैसे खूबसूरत बना सकें। सो दैट इज़ आई एम फीलिंग राइट नाउ हियर एंड दिस इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू गाइज, यू आर ट्रस्टिंग yourself, you are trusting on the Oscar program, you are trusting on the process, patience से आप लोगों में, learning सीखने का काफ़ी सारा वो क्या आप लोगों में। तो these are the qualities makes us more motivated, makes us more energized and does more and bring more opportunities for here, for you and for the children. So yeah, thank you so much and I just wanted to tell you that ki this is the right time, ye right time hai, aapko kitna mehnat kar sakte ho, kitna multiple cheeze kar sakte ho taki har ek cheez wo kuch kahawat nahi hai, kahawat hai na, kuch nahi hoga to kya hoga, tajurba hoga, to karte jao, कुछ नहीं भी हुआ तो अनुभव आ जाता है, तजुर्बा आ जाता है और वो बहुत काम आता है। तो करते रहो, बहुत सारी चीज़ें करते रहो, फोकस मत छोड़ो, जहाँ भी कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है हम सपोर्ट करेंगे, नहीं है तो कांटेक्ट से बात करेंगे लोगों से कैसे आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। बट यू कीप डूइंग दैट, योर फैमिली, योर एजुकेशन, ऑस्कर, बिकॉज इन 30-35 age, nobody will ask you. This is the age where you can do a lot of things. So keep it up. And अंदर से जब तक अच्छा feel, अंदर से अगर लग रहा है ना बहुत confidence feel नहीं कर रहे हो तो बोल दो लोगों को कि नहीं करना है मुझे. Same with us, same with your parents. If you are not feeling confidence for anything, say no. I am not ready. जब आप ready हो जाओगे तब करो, ओके? तो फैमिली प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में बस हाँ हाँ मत करो, बिकॉज ये तुम्हारी लाइफ है,
तुमको पैदा कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हक जमा सकते कोई भी। ओके, तो खुद को जानो, खुद को जानो, खुद की क्वालिटी को जानो, खुद क्या करने में मजा आ रहा है उसको जानो। ये सारी चीजें जब आप जानने लग जाओगे तब आपके अंदर से एक आवाज आएगी, और वो आवाज बहुत स्ट्रांग आवाज रहती है। जब वो आवाज को जब आती है ना, तो फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप क्लियर हो चुके हो, फिर आपका माइंड, आपका हार्ट सब एक साथ आ चुका है। तो जितना टाइम खुद के साथ स्पेंड कर सकते हो करो, और क्योंकि खुद को जानोगे तभी ही तुम अपनी बात ठीक से रख पाओगे, और जब अपनी बात ठीक से रख पाओगे तो सब अपने आप पीछे छूटते जाते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं, अरे इसको, इसका माइंड बदल नहीं पाएंगे हम लोग, बहुत स्ट्रांग है ये, बहुत स्ट्रांग है ये लड़की। तो ऐसा फिर वो अपने आप गिव अप कर देते हैं। बट हम गिव अप क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जान रहे, समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास। तो सेम विद, अगर लुसिंडा की बात करूँ मैं, तो अगर लुसिंडा को तुम बोलो कि उसको बोलो कि इतना खाना खाना है, वो बोलेगी नहीं, मेरे को इतना ही खाना है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो अपने आप को जानती है, उसकी बॉडी को क्या जरूरत है। सेम चीज अगर उसको बोले कि कोई कुछ सपोज कि चलो डिस्को पार्टी में जाके नाचते या डांस पार्टी करते, वो बोलेगी नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है कि मुझे लोगों को हेल्प करने में अच्छा लगता है, या मुझे रनिंग करने में अच्छा लगता है। तो वो सारे आवाज कहाँ से आ रहा है? बिकॉज उसने खुद को जाना। सेम गोविंद को मैं ऑफर कर रहा था कि अरे खा, स्वीट कुछ ऑफर कर रहा था, तो ही इज सेइंग नो, मैं सरप्राइज। बट वो अपने आप को जान रहा है। तो आप भी जानो, खुद को जानो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अपने आप को जानना, अपने एबिलिटीज को जानना, अपने स्ट्रेंथ को जानना, अपने आप के वीकनेस को जानना। और जितना खुद से बात करोगे ना उतना अच्छा है। आपके सवाल भी आप ही पैदा करते हो, और जवाब भी आप ही देते हो। और जब अगर ऐसा होने लग जाए ना, तो समझ जाना कि आपको फिर आप कोई भी समस्या को हल कर सकते हो। कोई भी चैलेंजेस आपके सामने आने दो, उसको आप डील कर सकते हो। बट यू नीड टू टॉक। हमेशा अपने माइंड को ना बिजी रखने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक सुन लिया, या इधर जाके कुछ मूवी देख लिया, या रील देख लिया, जरूरी नहीं है। हमेशा अपने माइंड को बिजी रखना, खाली रखो, जो आ रहा है आने दो, सवाल आने दो, क्या आ रहा है आने दो। बट आपको, क्योंकि हम क्या करते हैं कि खालीपन से डर लगता है, कोई नहीं है, कोई तो चाहिए, फोन करके दोस्तों को बुला लिया या कहीं चले गए, तो ऐसा डर लगता है। बट डरो मत, इट्स आया है अकेले, तो अकेले से क्या डरना है ना? तो यू नीड टू स्पेंड टाइम, नॉट 1 घंटा 2 घंटा, बट एटलीस्ट 10 मिनट्स तो स्टार्ट करो। 10 मिनट से तो स्टार्ट करते ना हम लोग। तो जब आप वो करोगे तो आपको दिखाई देगा क्या क्या सवाल आ रहे हैं मेरे अंदर, ये सवाल क्यों आ रहा है, ओके इसका जवाब क्या हो सकता है। इस तरह से सवाल करना चाहिए। और जब आप इस तरह से अपने आप को जानने लग जाओगे ना, आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल करोगे, गोविंद से करोगे, मुझसे करोगे, लुसिंडा से करोगे, कोई भी आने दो, उन सब से करोगे। बट उसके लिए सवाल वही करता है जब वो, उसको नॉलेज होता है, जब वो उसके पास इंफॉर्मेशन होता है। सवाल वो नहीं कर पाता है जिसके पास कम इंफॉर्मेशन होता है। तो इंफॉर्मेशन गैदर करो, खुद को जानने का कोशिश करो, तब आप सवाल करोगे। जब सब सवाल करोगे ना, तब फिर आपको बेवकूफ बनाना मुश्किल है, समझ रहे हो? तो सवाल करने वाले को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, वो सामने वाले को समझ में आ जाता है इसको जानकारी है, तो वह सोच समझ के जवाब देगा आपको। ओके, सो यू नीड टू थिंक ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज दिस